तो कल उसने कोई छोटी सी डॉल बनाने की कोशिश की और अगले दिन उसने कोई छोटी सी रेसिपी ले ली और उस रेसिपी की मदद से कुछ बनाया या पकाया और फिर उसकी तस्वीर ली तो बात यह है कि जो जो एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग एकेडमिक एक्टिविटीज़ प्ले एक्टिविटीज़ ग्रुप एक्टिविटीज़ जो कुछ वो करता रहा है उसका रिकॉर्ड एक पोर्टफोलियो की शक्ल में बच्चा ही इकट्ठा करता है और टीचर उसको गाइड करता है जैसे कोई अच्छी सी किताब या डायरी जिसके अंदर सारी उसकी अब तक जितनी एक्टिविटीज़ या एकम्पलिशमेंट्स की जो उसके प्रोजेक्ट थे वो सारे उसके अंदर लगे हुए होते हैं ये हमें उसकी मुसलसल प्रोग्रेस के बारे में भी बताते हैं जैसे शुरू में बच्चा एक बिल्कुल कन्फ्यूज होता है तो ऐसी तस्वीरें या ऐसी शक्लें बनाता है जो मुकम्मल नहीं है अभी ठीक से बनी नहीं है तो वो और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो परफेक्शन की तरफ आता है मास्टरी की तरफ आता है तो हमें पता चलता है कि इसकी प्रोग्रेस जो है वो कैसे हो रही है सो पोर्टफोलियो एज एन इफेक्टिव टूल टू मोटिवेट एनकरेज एंड इंस्ट्रक्ट चिल्ड्रेन जब आप बच्चों को बताते हैं देखे पहले हमने इस तरह का काम किया था और देखो अब हमने कितना बेहतर काम कर लिया और हमारा ये वाला प्रोजेक्ट या ये वाली एक्टिविटी पहले से कितनी बेहतर है तो बच्चे मोटिवेट होते हैं आप उनको बताते हैं कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं आप खुद भी उससे खुश होते हैं बच्चे को भी आप फीडबैक दे रहे होते हैं उसके लिए बड़ी कामयाबी है पोर्टफोलियो एज अ मैकेनिज्म टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव द इंस्ट्रक्शन स्किल्स एंड करिकुलम मॉडिफिकेशन अब ये पोर्टफोलियो कोई एक आध दिन के लिए नहीं बनता पोर्टफोलियो जितना बच्चे का सेशन है उस सारे सेशन के लिए बनता है फर्स्ट करें वो क्लास वन में है तो फ्रॉम द फर्स्ट डे टू द लास्ट डे जहाँ जहाँ पे इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ आएंगी उस सारी की सारी एक्टिविटीज उसके अच्छे टेस्ट उसके अच्छे प्रोजेक्ट उसकी बनी हुई हाथ की तस्वीरें और जहाँ जहाँ उसने जैसे छोटी सी स्पीच की थी उसकी तस्वीर और इस तरह जो कुछ होगा वह चूँकि हम थ्रू आउट उस एक किताबचे में या एक बुकलेट में लगाएंगे तो वो हमारे पास एक उसकी पूरी प्रोग्रेस जो है वो सामने आ जाएगी किस रफ्तार से उसने किया था कितना क्रिएटिव था कहाँ कहाँ पे उसने कौन कौन सी अचीवमेंट की तो ये एक लॉन्ग टर्म हमारे पास जो है वो उसकी प्रोग्रेस आती है

तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमें पोर्टफोलियो में बताती हैं कि आया हम उनमें कामयाब हुए या नहीं हुए और अगर किसी वजह से कोई कमी या डेफिशिएंसी रह गई है तो फिर हम क्या करते हैं अपने करिकुलम को जाके मॉडिफाई करते, करते हैं रिवाइज करते हैं कि हमें ऐसा नहीं बताना था या इस तरह से नहीं पढ़ाना था बल्कि कोई नया तरीका इख्तियार करना था ताकि जो लर्निंग आउटकम हमने चाहा वो हमारा पूरा हो जाए असेसिंग चिल्ड्रेन वे द पर्पज इज़ टू रैंक दैम क्वान्टिटेटिवली इन अ स्टैंडर्ड मैनर तो चूंकि ये एक रिटर्न रिकॉर्ड है एक लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड है और इसमें तो सारी चीजें शामिल हैं, इसलिए अगर आप इसके बेसिस पे कोई फाइनल डिसीजन भी लेना चाहते हैं किसी बच्चे की जजमेंट करना चाहते हैं उसकी ग्रेडिंग करना चाहते हैं तो भी ये एक ऑथेंटिक असेसमेंट होगी आपको याद है जब हम ऑल्टरनेटिव असैसमेंट की बात कर रहे थे तो हमने कहा था ऑल्टरनेटिव असैसमेंट ही ऑथेंटिक है जो वन टाइम पेपर पेंसिल टेस्ट है वो अथेंटिक नहीं हो सकता क्योंकि हमने उसको एक ही वक्त में जज किया था असेसिंग चिल्ड्रन फॉर द परपज ऑफ कंपेयरिंग टू वन यूजिंग कम्पेयरिंग नॉर्म्स तो अब चूँकि हमने कुछ लर्निंग आउटकम बनाए हुए हैं हम ये देख रहे हैं कि हमारा बच्चा उन लर्निंग आउटकम्स तक कहाँ तक पहुँचा है तो वो एक स्टैंडर्ड जो हमने पहले से सोच लिया था उसके अगेंस्ट हम बच्चों को अब कंपेयर भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास नॉर्म्स हैं कि बच्चा इस लेवल पे आएगा तो इसका मतलब है कि उसमें इतनी स्केल या काबिलियत आ गई है इस तब इसके बाद ये एवरेज बच्चा बन गया है अब ये अबव एवरेज हो गया है तो एक पूरा प्रोसेस जो है वो इसकी मदद से हम कर सकते हैं क्योंकि एक लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस हमारे सामने है जो बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में हमें बेहतर तौर पर बताती है